नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद, यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th, झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBM के यू धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCOM, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC NET, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश के विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096305। बलियापुर पश्चिमी पंचायत स्थित मुस्लिम टोला की है दयनीय स्थिति। एक दशक में दो बार हो चुकी है पंचायत चुनाव। स्थानीय मुस्लिम टोला के अधिकांश लोग हैं सरकारी सुविधाओं से वंचित। अधिकांश मुस्लिम भाइयों को नहीं मिल पाया है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। लगातार हो रही बारिश ने छीना इनका आशियाना। बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान गुलाब के बाद बने लो प्रेशर से झारखंड के कई जिलों में तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के धनबाद जिले में बुधवार की सुबह से ही साइक्लोन का व्यापक असर शुरू हो गया। तेज हवा के साथ सुबह से शुरू हुई बारिश कभी धीमी होकर देर शाम तक होती रही। लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित रहा। लोग अपने घरों में दुबके रहे, जरूरी कार्य वाले लोग ही बाहर निकलने को मजबूर हैं। जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थिति दयनीय रही। मौसम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक कई सारे दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान स्थानीय जोड़ियां पूरी उफान पर नजर आए। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसे में बलियापुर पश्चिमी पंचायत में रहने वाले मुस्लिम टोला पूरी तरह से प्रभावित नजर आए। बताते चले कि लगातार हो रही बारिश से स्थानीय पंचायत के मुस्लिम टोला में रहने वाले लगभग 19 घर इतने प्रभावित हुए कि मिट्टी के घर में लगातार हो रही बारिश से कई घर ढह गए और कई मकानों में दरारें पड़ गई। बताते चले कि पंचायती राज कायम हुए एक दशक गुजर गया है, बावजूद इसके मुस्लिम टोला में रहने वाले इन लोगों के साथ अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया है। हमारा 70 साल का उम्र हो गया, उसमें आज तक हमें इंदिरा आवास कभी नहीं मिला हमें ज़िंदगी में। आज अभी जो हम जिस घर में रहते हैं वो घर हमारा धस गया है। हम सोचेंगे कहाँ वही हमको मिलता है, खोलने का जगह भी नहीं हमारा है, इसीलिए हम मुखिया क्या क्या करना है इसमें? मुखिया को जब भी बोलते हैं होगा बोलता है, उसको बोला इंक्वायरी भी करो। क्या देखेगा इंक्वायरी, सुबह का घर छोटा छूट गया है, लेकिन आज जो पानी गिरा रहा था बच गई है वहाँ से, धसने से दबने से बच गई। ऐसे रास्ते हमने हालत खराब हो गया। आवास प्लस योजना में नाम जोड़ा जा रहा है, उसमें क्या आपका नाम नहीं जोड़ा गया? जोड़ा गया है लेकिन घर नहीं आया। तीन डॉलर बरसा से सड़क गिर गया। कितने दिनों से रह रहे थे इस मिट्टी के घर में? कितने दिनों से रह रहे थे मिट्टी के घर में? सरकार की कई सारी योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री आवास क्या नहीं मिला? नहीं सर, अभी तक नहीं मिला, कोई इंदिरा आवास नहीं मिला सर अभी तक। क्या कहना है इसमें मुखिया का? मुखिया जी कहना है कि सब हम घर धस गया वर्षा से, कर रहे हैं कहा सर। आपका वार्ड मेंबर कौन है? मौसम का क्या कहना है इसमें? कितनी बार आपने इस दफा संपर्क किया था इन लोगों से? कई लोग कई दफे किए थे, घर घर जाकर मुखिया जी को सबको बोले सर, कोई अभी तक नहीं। घर गिरने की जानकारी मुखिया को है? जी हाँ दिए, आज अभी दिए, सवेरे दिए। मुखिया जी आए? नहीं आए, पर का बोले कि वो सब कीजिए, वो सब हो जाएगा, सब करवा देंगे। कहने का मतलब यह है सर जी, आज तीन चारों से जो बारिश हो रही है तो बारिश के कारण हमारा दीवार मिट्टी कच्चा मकान है, वो मकान गिरने के कगार पर है समझे। उसके बाद हमने मुखिया उठिया सबको वार्ड वाले को बोले हैं लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है।
कुछ बोलता है तो सूची में नाम ही नहीं, सूची में नाम रहेगा तभी मतलब आएगा इंदिरा आवास। तो हम लोग गरीब आदमी है सर, कहाँ रहेंगे, 8-10 परिवार है हम लोग। ये बरसात में अगर जी मट्टी कच्चा मकान अगर गिर जाए तो हम लोग रहेंगे कहाँ। 5 साल का कार्यकाल रहा मुखिया का, इस 5 साल में मुखिया ने कभी ध्यान नहीं दिया इसमें? नहीं सर जी, कभी ध्यान नहीं दिया। बोलने जाते हैं तो बोलता है सूची में नाम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो सूची में नाम क्यों नहीं है, कारण नहीं बताया? नाम तो हम 2-4 बार हम लिखा है सर जी, लेकिन नाम आ ही नहीं रहा सूची में। अब क्या है नहीं है, इन लोग का आंदोलन राज हम लोग को तो मालूम है नहीं, हम लोग गरीब आदमी है, मजदूर है। कौन है यहाँ के मुखिया? विजय गोराय। ऐसे कितने घर हैं जो जिनकी माली हालत ठीक नहीं है? करीब करीब 15-20 घर है सर। किस समुदाय से हैं? मुस्लिम समुदाय से हैं। मुस्लिम समुदाय से है। और ये हमारे मुखिया जी जो है मुस्लिम समुदाय का काम बहुत कम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जात पात की राजनीति कर रहे हैं। जात पात की राजनीति हो रहा सर जी। शौचालय का लाभ मिला? नहीं, शौचालय का भी लाभ नहीं मिला। सरकार की ओर से चलाई जा रही है कई सारी योजनाएं में इनको फायदा नहीं मिला। अमूमन अभी तक प्रधानमंत्री आवास तक इनको मुहैया नहीं कराया गया। घर के बुजुर्ग आज भी किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो उनके साथ इंसाफ कर सके। आपदा से जुड़ी हुई यह मामला बलियापुर पश्चिमी पंचायत स्थित मुस्लिम टोला की है। पेश है हमारे संवाददाता संपत कुमार गोप की खास रिपोर्ट। लगातार 2 दिन से हो रही झमाझम जो बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोग हैरान हैं, परेशान हैं, चाहे वह बिजली विभाग हो या फिर आम आदमी हो। लगातार 2 दिन से अगर हम बात करें तो बलियापुर क्षेत्र की बिजली कटी हुई है। मोबाइल रिचार्ज से लेकर व्यापारी वर्ग तक एकदम परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और ख़ास करके अगर हम बात करें तो मुखिया चुनाव शीघ्र ही होने जा रहा है, लेकिन मुखिया चुनाव की अगर हम बात करें तो लगातार 2 बार मुखिया का चुनाव हो चुका है, लेकिन यहाँ के बलियापुर यूको बैंक के पीछे जो स्थित है ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ अभी तक कोई विकास की रूपरेखा नज़र नहीं आ रही है। बताते चले कि 2 दिन से हो रही लगातार झमाझम बारिश से स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि प्रधानमंत्री का आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिट्टी का यह घर पूरी तरह से ढह चुका है। यहाँ के स्थानीय लोगों को खासा परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों से जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इनसे जब जानकारी ली गई है तो बताया जा रहा है कि विगत 2 बार जो पंचायत चुनाव हुआ, 2 बार में इन लोगों का नाम ना प्रधानमंत्री आवास में शामिल किया है, ना ही सरकारी कोई सुविधा का लाभ दिया गया है। थोड़ी सी आवाज़ आपको उधर से आ रही है, वहाँ कुछ महिलाएं हैं जो मुखिया के खिलाफ में अपना आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ के वार्ड मेंबर के खिलाफ में अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन के खिलाफ में अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आखिर ये आक्रोश कब तक रहेगी, यह समझ से परे हैं। बुजुर्गों की अगर हम देखें तो बुजुर्गों की नज़र जो है वो नम आंखों से वो देख रहे हैं, आखिर कब तक इसका समाधान निकलेगा। अब चुनाव का समय आ रहा है, मुखिया अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, कुछ समय के बाद दावेदारी पेश भी करेंगे, लेकिन इन गरीब गुरुओं के साथ क्या कुछ हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आखिर इनके साथ कब इंसाफ होगा, यह अभी तक समझ से पड़े हैं। अपने सहयोगी अल्तमस के साथ संपत कुमार गोप, स्टार सिटी 24 न्यूज़, बलियापुर, धनबाद।